फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला गुप्ता आपके समक्ष फिर से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन एंड कॉपर। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, जिसे कि हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, ये जो हरित लवक होता है ये केवल और केवल पादपों में पाया जाता है यानी प्लांट्स में पाया जाता है। और इसी के प्रेजेंस से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थ का खुद ही निर्माण करते हैं, और वो भी किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मोस्टली जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है इसे ही हमने क्या कहा है, पर्णहरित कहा है। ये एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट है यानी वर्णक है। और इस ये जो होता है ये क्या कहता है, यही जो है वो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, इसमें एक प्रकार का एलिमेंट पाया जाता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। अब ये जो क्लोरोफिल है ये एक्चुअली में कहाँ पे पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। और ये हेल्प करते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण ही प्लांट्स को वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण खुद करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर टू है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर है वाटर से। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो जल से ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इसी क्रिया के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं या पादप होते हैं वो अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण खुद ही करते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि इनमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये जब कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब प्रकाश के प्रेजेंस में, और वो भी जो सूर्य के द्वारा आता है, मतलब सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इन दोनों की उपस्थिति में ये जो रिएक्शन है ये चलता है। और प्रोड्यूस क्या होता है, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का प्रोड्यूस करते हैं और 6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का रिलीज होता है। और ये जो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, ये एक्चुअली में आते कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर क्या हुआ, जल से, मतलब फ्रॉम वाटर। तो जितना भी ऑक्सीजन जो है जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस के समय, वो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? ऑप्शंस हैं बैंगनी, लाल, हरा और नीला। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाल। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से लाइट जो होती हैं वो मोस्ट इफेक्टिव होती हैं और कौन सी लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा अवशोषित, मतलब एब्जॉर्ब की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे प्रभावकारी या इफेक्टिव जो होता है वो रेड लाइट में होता है, मतलब लाल प्रकाश में ये क्या होता है, सबसे इफेक्टिव होता है, मतलब रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो इफेक्टिव होगा। और सेकेंडली जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावकारी कब होता है, अगर वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करे, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन या इफेक्टिव वो कब होता है, रेड लाइट में, और सेकेंडली वो कब हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। और हालांकि ये दोनों ही जो है, ये रेड लाइट सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टिल जो क्लोरोफिल होता है वो सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन सा लाइट करता है, तो क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा अवशोषित जो है वो ब्लू लाइट को करता है। ओके, उसके बाद जो होता है वो रेड लाइट को करता है, फिर भी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सबसे इफेक्टिव जो होता है वो रेड लाइट पे होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेड। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? Which of the following is not a plant hormone? Okay, options हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड इथाइलिन. तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो कि मनुष्यों में पाया जाता है और मुख्यतः यह महिलाओं में यानी विमेन्स में पाया जाता है. ओके, और जितने भी रेस्ट ऑफ द हार्मोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे कि साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ये तीनों ही हार्मोन जो होते हैं ये पादप हार्मोन हैं और ये प्लांट्स में सिंथेसाइज होते हैं. तो चलिए हम इनकी एक्टिविटीज या फंक्शंस देख लेते हैं कि ये प्लांट्स में कौन कौन से फंक्शंस या कार्य जो है वो करते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो है वो है साइटोकाइनिन. अब ये जो हार्मोन है ये बेसिकली जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट इसके 3 फंक्शंस होते हैं कि ये सेल डिविजन में मदद करता है, मतलब कोशिका विभाजन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है. दूसरा इसका जो रोल होता है वो क्या करता है, ये जीर्णता को रोकता है. क्या करता है ये जीर्णता को रोकता है. जीर्णता को हम सेनेसेंस भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है, ये जीर्णता को रोकता है, सेल डिवीजन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, या सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है. साथ ही साथ क्लोरोफिल जो होता है उसे काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देता. मतलब थर्ड उसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देता. ओके, तो साइटोकाइन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से, कि ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, दूसरा ये कि जीर्णता को रोकता है मतलब सेनेसेंस को रोकता है, साथ ही साथ क्लोरोफिल को ये क्या करता है, काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देता. तो ये हुए साइटोकाइनिन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस. नेक्स्ट जो हार्मोन इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है वो है जिब्रेलिन. अब जिब्रेलिन का उपयोग क्या होता है, तो जिब्रेलिन जो है वो एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों में भी बौने पौधे, टॉल प्लांट्स या लंबे पौधे पाए जाते हैं. तो जिब्रेलिन क्या करता है, जो बौने पौधों की प्रजातियां होती हैं उनको वृद्धि करने में मदद करता है, मतलब उनकी लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही साथ ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में मतलब बीजों के अंकुरण में मदद करता है और फ्लावरिंग मतलब पुष्पन में मदद करता है. तो जिब्रेलिन के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए, सबसे पहला तो ये कि अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि बौने पौधों की प्रजातियों में वृद्धि आने के लिए कौन से पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, जिब्रेलिन. पुष्पन में कौन मदद करता है, जिब्रेलिन. और साथ ही साथ सीड जर्मिनेशन या बीजों के अंकुरण में कौन मदद करता है, तो वो भी जो होता है वो जिब्रेलिन होता है. नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इथाइलिन. जो इथाइलिन होता है वो एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन होता है जो कि गैसियस होता है, मतलब गैस के नेचर का होता है. ओके, और कोई भी प्लांट हार्मोन जो है वो गैसियस नेचर का नहीं होता. और इथाइलिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है ये कि कच्चे फलों को पकाने के लिए हम कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो वो है इथाइलिन. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है या ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो कच्चे फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है, तो वो है इथाइलिन. तो इसी क्वेश्चन से हमने ये देख लिया कि ये जो पादप हार्मोन है इनके फंक्शंस क्या है, मतलब एक प्रश्न से हमने कुछ नहीं तो 6 प्रश्नों के आंसर निकाल लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैसीय हार्मोन का प्रयोग किया जाता है वह है द गैसियस हार्मोन विच इज़ यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. फर्स्ट इज इथाइलिन, इथेन, ऑक्सीटोसिन या हाइड्रोजन. तो आंसर इज इथाइलिन. इसके पहले वाले प्रश्न में हमने इसका आंसर ढूंढ लिया था कि इथाइलिन जो है वो एक प्रकार का गैसियस हार्मोन है. क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन जो कि गैसीय होता है नेचर में, तो वो है इथाइलिन. और ऐसा हार्मोन जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फलों को पकाने में मदद करता है वो है इथाइलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग अपतृण निवारण के लिए किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड फॉर वीड डिस्ट्रक्शन. ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड. तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑक्सिन. और ऑक्सिन का एक फंक्शन तो हमें पता चल गया कि वीड डिस्ट्रक्शन में, मतलब वीड्स क्या होते हैं, वीड्स ऐसे छोटे छोटे खरपतवार होते हैं जो कि फील्ड में
क्रॉप्स के साथ लग जाते हैं और जो नरिशमेंट क्रॉप्स को मिलना चाहिए वो वीड्स खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। इसीलिए वीड्स को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है ताकि क्रॉप्स को फुल न्यूट्रिशन मिल सके। इसीलिए वीड डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है, वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन की जो और भी फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखा कि ऑक्सिन जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो कि वीड डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सिन के और क्या फंक्शंस होते हैं? ऑक्सिन का एक फंक्शन ये हुआ कि वो वीड डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, और ये जो वीड्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्रॉप्स का न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रकार से छीन लेते हैं इसीलिए, और ये एक प्रकार के खरपतवार ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सिन जो होता है वो पार्थेनोकार्पी में मदद करता है। पार्थेनोकार्पी जो है वो एक प्रकार का प्रोसेस है जिसे हम अनिषेक फलन भी कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि बिना निषेचन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फलों का विकास कैसे किया जाता है, तो वो इस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो मतलब ऑक्सिन जो है वो एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जिसके द्वारा बिना निषेचन के बिना फर्टिलाइजेशन के फलों का विकास किया जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन हुआ, तो वो हुआ ऑक्सिन। मतलब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पार्थेनोकार्पी हम किस हार्मोन के द्वारा जो है वो पौधों में इंड्यूस कर सकते हैं, तो वो कौन सा होगा, वो होगा ऑक्सिन होगा। साथ ही साथ ऑक्सिन का एक और फंक्शन ये होता है कि फलों को पेड़ से लंबे मतलब फलों को पेड़ पे लंबे समय तक टिके रहने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो हेल्प करता है, तो वो भी जो है वो ऑक्सिन करता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि ऑक्सिन के जो अन्य फंक्शंस थे वो भी हमने देख लिए। नेक्स्ट जो है जिब्रेलिन साइटोकाइनिन के हमने फंक्शंस देख ही लिए हैं, साथ ही साथ एब्सिसिक एसिड। अब ये जो एब्सिसिक अम्ल है या एब्सिसिक एसिड है इसका क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले तो जो ये एब्सिसिक एसिड होता है ये एक प्रकार का ग्रोथ इनहिबिटर है। ये क्या करता है, ऐसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो इनको इनहिबिट करता है प्लांट्स में, इसीलिए एब्सिसिक एसिड को हमने ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहा है। जैसा कि सबसे पहले तो ये सेल डिविजन मतलब कोशिका विभाजन को क्या करता है, अवरुद्ध करता है मतलब रोकता है, साथ ही साथ पुष्पन मतलब फ्लावरिंग को रोकता है, और सीड जर्मिनेशन को मतलब बीजों के अंकुरण को भी अवरुद्ध करता है, इसीलिए एब्सिसिक एसिड को हमने क्या कहा है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो ये किन किन प्रोसेसेस को रोकने में या इनहिबिट करने में मदद करता है या इनहिबिट करता है, तो वो है कोशिका विभाजन मतलब सेल डिविजन, पुष्पन मतलब फ्लावरिंग, एंड सीड जर्मिनेशन बीजों के अंकुरण में ये क्या करता है, अवरुद्ध उत्पन्न करता है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड जो है वो एक प्रकार का ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, विच प्लांट इज यूज टू मेक बायोडीजल। ऑप्शंस हैं रतनजोत, सफ़ेद मूली, सनाए और गन्ना। तो बायोडीजल बनाने के लिए जिस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है वो है रतनजोत। रतनजोत जो है वो एक प्रकार का वनस्पति है जिसके सीड से क्या किया जाता है, बायोडीजल निकाला जाता है। इसे बायोडीजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से या मतलब जीवित क्या बोलना चाहिए, जीवित सजीव से ये डीजल जो है वो लिया जा रहा है या प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसीलिए इसे बायोडीजल कहा जा रहा है। और निम्न ऑप्शन में से इसका आंसर है रतनजोत। ओके, और साथ ही साथ करंज करके एक और पौधा आता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बायोडीजल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर ये पूछा जाए कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जा रहा है और रतनजोत के साथ साथ करंज भी दिया होगा ऑप्शन में, तो हमें दोनों ही ऑप्शंस को चूज़ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रतनजोत के साथ साथ जिसे हम जेट्रोफा भी कहते हैं उसके साथ साथ क्या है, करंज भी जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिससे हम बायोडीजल प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर जल वहन के लिए, आहार वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए। ओके, तो इसमें से जो सही आंसर है वो है
आहार वहन के लिए, मतलब फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो आइए हम ये देखते हैं कि फ्लोएम के क्या फंक्शंस होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, तो फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये एक प्रकार के परमानेंट टिश्यू हैं या जटिल ऊतक होते हैं, और ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वस्कुलर बंडल। ओके, फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ये क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब भोज्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है, तो वो है फ्लोएम। और जाइलम का काम क्या होता है, जल एवं खनिज का परिवहन कौन करता है, तो वो है जाइलम, मतलब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है प्लांट बॉडी में, वो जाइलम करता है। और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन या भोज्य पदार्थ का परिवहन करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, आहार वहन के लिए, मतलब फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पहचान करें परजीवी पौधे की, आइडेंटिफाई द पैरासिटिक प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है घटपर्णी, अमरबेल, सूरजमुखी और ब्लैडोवॉर्ट। इसमें पूछा गया है परजीवी पौधे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परजीवी का मतलब क्या होता है। परजीवी पौधों का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जो कि अपने भोज्य पदार्थ के लिए किसी अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं और साथ ही साथ उन्हें हानि भी पहुँचाते हैं, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में जो परजीवी पौधे का एग्जांपल है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल, जिसे कि हम कसकूटा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हुआ अमरबेल। तो अन्य ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें एक घटपर्णी दिया हुआ है जिसे कि हम पिचर प्लांट कहते हैं। ये जो पिचर प्लांट है ये एक प्रकार का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है मतलब ये कीड़े मकोड़ों पर अपने भोज्य पदार्थ के लिए निर्भर करता है। और ऐसा क्यों होता है कि पिचर प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो होती है वो होती है, क्यों, क्योंकि वो सॉइल से नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं कर पाता। तो नाइट्रोजन के सोर्स के लिए वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है और अपनी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स होती है उसे वो पूरा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमने देखा कि सही आंसर है अमरबेल, कसकूटा, और कसकूटा जो है वो एक प्रकार का परजीवी पौधा है, मतलब पैरासिटिक प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन होता है, विच हार्मोन इज रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। ओके, ऑप्शंस हैं साइटोकाइनिन, जिब्रिलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीजन। ओके, इसका सही आंसर है कि ड्रॉट टॉलरेंस के लिए जो हार्मोन है वो कौन सा होता है, वो होता है एब्सिसिक एसिड। हमने अभी देखा था कि एब्सिसिक एसिड जो है वो एक प्रकार का क्या है, वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। क्यों, क्योंकि वो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, साथ ही साथ पुष्पन, फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन को अवरुद्ध करता है। बट उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी ये भी होता है कि वो ऐसे पौधों में पाया जाता है जो कि सूखे एरिया में पाए जाते हैं, मतलब जहां पे पानी की कमी होती है। तो उन प्लांट्स या पौधों में क्या होता है, एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस या संश्लेषण जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, ताकि वो जो पौधे हैं वो वाटर का कंजर्वेशन जो है वो अधिक से अधिक कर पाए। ओके, तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है, एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड जो है वो सूखा सहिष्णुता के गुण जो है वो पौधों को प्रदान करता है, मतलब ड्रॉट टॉलरेंस, मतलब सूखे में किस तरीके से पौधे जो हैं वो अधिक से अधिक समय तक टॉलरेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पादपों में से कीटहारी पादप का चयन करें, सेलेक्ट द इंसेक्टिवोरस प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग, रातरानी, घटपर्णी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है पिचर प्लांट। एक प्रश्न के पहले हमने जस्ट डिस्कस किया ही था कि ये जो पिचर प्लांट या घटपर्णी होता है ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाता सॉइल से, इसीलिए ये क्या करता है, ये इंसेक्ट्स को खा लेता है। और इसे घटपर्णी इसलिए कहा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो समवट घड़े की तरह होता है इस प्रकार, और यहाँ पे क्या होता है, एक लिड जैसा होता है। ये क्या करता है, जैसे इसे इंसेक्ट्स को खाना होता है ये लिड जो होती है वो ओपन हो जाती है और इंसेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं, और फिर ये जो लिड है वो
क्लोज हो जाती है और फिर क्या होगा कि वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे कर पाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित क्रिया द्वारा होता है। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी ऑकर्स ड्यूरिंग प्रकाश संश्लेषण, रसारोहण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का था कि 6CO2 + 12H2O है ना, वो भी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। तो हमने क्या देखा कि उसने लाइट एनर्जी मतलब सूर्य से जो उसने रोशनी ली या प्रकाश लिया उसे उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, मतलब रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है फोटोसिंथेसिस। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ज़रूर इसे देखिएगा और इसे पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।